हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो ये देखिए दोस्तों, हिबिस्कस में दूसरा फ्लावर खिला हुआ है येलो कलर में, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। तो आज मैं आप सबसे कुछ ऐसे प्लांट के बारे में शेयर करूंगी दोस्तों, जिसे आप कटिंग से भी नहीं लगा सकते, ना पानी में लगा सकते हैं, और इसे आप डिवाइड करके लगा सकते हैं दोस्तों, रूट डिवीजन से लगा सकते हैं। इसे आप हज़ारों प्लांट बना सकते हैं जो काफ़ी महंगे और कॉस्टली आते हैं, उसे आप घर पर ही ढेरों सारे प्लांट बना सकते हैं एक ही प्लांट से। तो पहले नंबर पर दोस्तों ये है एग्लोनिमा स्नो वाइट। तो इसे आप देखेंगे बगल बगल से इसमें बेबी प्लांट सारे निकले रहते हैं, तो आप इसे डिवाइड करके बहुत आसानी से लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये गर्मियों में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इंडोर प्लांट है। इसकी पत्तियां काफ़ी खूबसूरत लगती है, छींटदार पत्तियां, और यहां से देखेंगे बेबी प्लांट सब सारे बने रहते हैं। तो इसे आप डिवाइड करके बहुत आसानी से लगा सकते हैं, और ये नर्सरी में बहुत महंगे मिलते हैं, 150 से 200 तक की इसकी प्राइस होती है। तो इसे आप एक प्लांट लाइए दोस्तों, तो एक ही प्लांट से ढेरों सारे प्लांट बना लीजिए। तो मैं भी ये नर्सरी से एक ही पौधा लाई थी, और देख सकते हैं एक ही पौधे से मैंने कितने ढेरों सारे इसके प्लांट फ्री में ही तैयार कर लिए हैं। तो आप भी इसे अभी नर्सरी से लाइए दोस्तों, और नर्सरी में अभी इसके ढेरों सारे प्लांट आपको मिल जाएंगे। इस समय ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, तो इसे ज़रूर लाइए। उसके बाद ये है दोस्तों एक एग्लोनिमा की दूसरी वेराइटी, ये भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। इसकी पत्तियाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी लगती हैं। मेरे यहाँ ओले पड़े थे फ्रेंड्स, तभी इसकी पत्तियाँ जो है थोड़ी डैमेज हो गई थी, और इस समय थोड़ी धूल मिट्टी उड़ रही है, तो उस वजह से पत्तियाँ थोड़ी इसकी ऐसी दिख रही हैं दोस्तों। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से नीचे से ऐसे बेबी प्लांट सारे बने रहते हैं। तो यहाँ से आप इसको डिवाइड करके लगा सकते हैं। ये भी नर्सरी में बहुत ही महंगे मिलते हैं, ये आपको 200 से 250 तक के रेंज में मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये मैं 250 का लाई थी। तो हर जगह का नर्सरी का प्राइस थोड़ा अलग अलग रहता है, तो किसी के यहाँ नर्सरी में सस्ते मिल जाते हैं, किसी के यहाँ महंगे मिल जाते हैं दोस्तों। तो इसे भी आप लाइए, इसकी पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। अगर आपके गार्डन में फ्लावर वाले प्लांट नहीं हैं तो आप इसे ज़रूर लगाइए, आपके गार्डन में ये कलरफुल पत्तियाँ आप अपनी रंगत बिखेरेगी, काफ़ी खूबसूरत लगेगी। तो इसे ज़रूर लगाइए इस बार आप, और डिवाइड से आप कर रूट डिवीजन से इसको ढेरों सारे प्लांट बना सकते हैं फ्री में ही। तो उसके बाद दोस्तों ये है पीस लिली का प्लांट, ये भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो यहाँ से अभी अंदर से देख अभी दिख रहा है दोस्तों, इसमें से फ्लावर निकलने वाले है, एक यहाँ से भी निकलेगा। तो इसमें फ्लावर भी आते हैं, और ये भी रूट डिवीजन से बहुत आसानी से लग जाता है दोस्तों। अलग करके देखेंगे यहाँ ढेरों सारे बेबी प्लांट सब बने हुए हैं, तो इसे आप रूट डिवीजन से अलग कर सकते हैं। और अगर इसमें फ्लावर नहीं आते तो भी इसकी पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, वेरीगेटेड पत्तियाँ काफ़ी अच्छी लगती हैं दोस्तों। और ये बहुत ही गुड लक प्लांट है, शुभ प्लांट है, और इंडोर प्लांट है दोस्तों। तो इसे आप ज़रूर लगाइए, अपने घर में किसी भी कोने पर इसको रख दीजिए, और इसकी पत्तियां भी देख सकते हैं छींटदार में कितनी काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। तो इसे भी आप एक प्लांट से ढेरों सारे प्लांट बना सकते हैं, और ये भी थोड़ा महंगा ही आता है दोस्तों, आपको 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये के बीच में मिल जाएंगे नर्सरी से। तो ये मैं 60 रुपये में लाई थी दोस्तों। उसके बाद ये है सिंगोनियम, ये भी डिवाइड रूट डिवीजन से बहुत आसानी से लग जाता है दोस्तों। और ये जो छोटे वाले प्लांट, छोटे पत्ती वाले प्लांट होते हैं, ये थोड़ा महंगे आते हैं, 70-80 रुपये में आते हैं, 50 से लेकर के 70-80 के बीच में आते हैं, और ये भी थोड़ा महंगा ही आता है। इसे भी रूट डिवीजन से आप लगा सकते हैं। सिंगोनियम में कई वेराइटीज़ के आते हैं, कलर्स के आते हैं, एक डार्क पिंक होता है, एक लाइट पिंक होता है, एक ग्रीन पत्ती वाला होता है, और कुछ छोटे पत्ती वाले होते हैं। तो देख सकते हैं इसकी पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं देखने में दोस्तों। तो इसे भी आप रूट डिवीजन से बहुत आसानी से लगा सकते हैं, और ढेरों सारे प्लांट एक ही प्लांट से बना सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर लगाइए रूट डिवीजन से, इसकी पत्तियाँ भी काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, आपके गार्डन को कलरफुल बना देगा ये कलर रंग बिरंगी पत्तियों से दोस्तों। उसके बाद ये है फर्न, ये भी दोस्तों इसमें छोटे छोटे बल्ब होते हैं नीचे से,
और ये इसे भी आप रूट डिवीजन से डिवाइड करके ढेरों सारे पौधे बना सकते हैं फ्री में ही। और फर्न में कई वेराइटीज़ के फर्न होते हैं, तो आपके पास जो भी है उसे आप डिवाइड करके लगा लीजिए और आपके गार्डन में ये ग्रीनरी ऐड करेगा, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। हैंगिंग बास्केट में भी इसको लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद ये है स्नेक प्लांट, इसे भी आप रूट डिवीजन से बहुत आसानी से लगा सकते हैं दोस्तों। और इसमें साइड साइड से देखेंगे नए नए बेबी प्लांट्स सब बने रहते हैं, तो आप इसको रूट डिवीजन से डिवाइड करके आप लगा सकते हैं। और इसमें आपको एक छोटे पत्ती वाली मिल जाएगी, दो वेराइटीज़ कहते हैं, एक बड़ी पत्ती वाली हाइब्रिड एक होती है, एक जो देसी होती है छोटी छोटी पत्ती वाली होती है। तो इसे में देखेंगे बगल साइड से सब बेबी प्लांट्स बने रहते हैं, तो इसे आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। और इसकी पत्तियों से ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, इसके एक पत्तियों से आप ढेरों सारे प्लांट बना सकते हैं। पत्तियाँ सिर्फ इसकी कट करके सॉइल में लगा दें या पानी में लगा दें दोस्तों, पानी में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। बस पानी में जब लगाएं तो इसके पानी को हमेशा चेंज करते रहिए ताकि कोई फंगस ना लगे। उसके बाद दोस्तों ये रियो, इसे भी आप डिवाइड करके लगा सकते हैं रूट डिवीजन से। एक बड़ा वाला रियो है, एक ये देखिए दोस्तों ये छोटा वाला रियो है, इसमें सारे बेबी प्लांट्स नीचे लगे हुए रहते हैं, तो इसे आप डिवाइड करके रूट डिवीजन से बहुत आसानी से लगा सकते हैं दोस्तों। इसकी पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत लगती हैं देखने में, ऊपर ग्रीन नीचे पर्पल, और साइड साइड से देखिए दोस्तों कितने ढेरों सारे बेबी प्लांट सब बने हुए हैं। तो छोटी सी एक बेबी प्लांट आपको निकालनी है रूट डिवीजन से इसकी, इसमें देखेंगे रियल रूट से सब बने रहते हैं, तो इसको आप निकाल करके बस ऐसे सॉइल में लगाना है दोस्तों। बहुत आसानी से ये लग जाएगी, सिर्फ एक ही कटिंग आप लगाएंगे एक ही प्लांट, उससे कुछ दिनों में आपके पूरे प्लांट को कवर, प्लांटर्स को कवर कर लेगा बहुत जल्दी। ये बहुत जल्दी प्लांटर्स को कवर करता है दोस्तों। तो इसकी कटिंग्स को आप ऐसे सॉइल में लगा दीजिए, कुछ दिन बाद देखेंगे बहुत जल्दी इसमें रूटिंग हो जाती है। और ये पानी में भी आप इसे लगा सकते हैं दोस्तों, तो इसे ज़रूर लगाइए। उसके बाद ये है दोस्तों स्पाइडर प्लांट, इसे भी आप रूट डिवीजन से लगा सकते हैं और डिवाइड करके लगा सकते हैं। तो इसे भी इसमें आपको दो वेराइटीज़ के मिल जाएंगे, एक ग्रीन पत्ती वाला होता है, एक ये वेरीगेटेड पत्ती वाला होता है दोस्तों। तो इस यहाँ से देखेंगे रनर्स सारे निकले रहते हैं, तो यहाँ से आप इसको डिवाइड करके लगा सकते हैं। और जो प्लांट होते हैं प्लांट के बगल साइड से देखेंगे तो वहाँ से भी बेबी प्लांट सारे बने रहते हैं, तो वहाँ से आप इसको उसके रूट्स से डिवीज़न करके उसको लगा सकते हैं। यहाँ बेबी प्लांट सब बने रहते हैं दोस्तों, तो यहाँ से इसको लगा सकते हैं। और यहाँ से इसको आप कट करके रूट डिवीज़न से इसको भी लगा सकते हैं, बहुत इजीली ये लग जाता है। हैंगिंग बास्केट में छोटे छोटे प्लांटर्स में छोटे छोटे जैसे कोई भी वेस्ट मटेरियल है उसमें आप लगा दीजिए, काफ़ी खूबसूरत लगती हैं इसकी लटकते हुए ये ऐसे स्टेम, और उसमें ये सारे बेबी प्लांट्स बहुत खूबसूरत लगते हैं दोस्तों। हैंगिंग बास्केट में लगा करके आप कहीं भी इसको अगर हैंग कर देंगे तो आपके गार्डन की लुक ही बदल देगा, काफ़ी खूबसूरत लगेगा दोस्तों। उसके बाद ये है बास्केट प्लांट, इसमें भी इसे भी आप रूट डिवीजन से और कटिंग से दोनों तरह से प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसमें भी बेबी प्लांट सारे नीचे से बने रहते हैं, तो इसको आप डिवाइड करके रूट डिवीज़न से लगा सकते हैं दोस्तों। बगल से देखेंगे छोटे छोटे सारे बेबी प्लांट्स ऐसे बने रहते हैं, तो इसको आप निकाल करके बस ऐसे सॉइल में लगा देना है दोस्तों। कुछ दिन बाद देखेंगे बहुत जल्दी ये ग्रो हो जाता है मिट्टी में, और हैंगिंग बास्केट में लगा करके कहीं भी इसको हैंग कर दीजिए, काफ़ी खूबसूरत लगता है। उसके बाद ये है पर्पल हार्ट दोस्तों, इसमें भी इसे भी आप रूट डिवीज़न से लगा सकते हैं। बगल बगल साइड से इसके सारे बेबी प्लांट्स सब बने रहते हैं, लगे रहते हैं, बहुत जल्दी ये पूरे प्लांटर्स को कवर कर लेता है एक ही कटिंग्स अगर लगाएंगे तो। कुछ दिन बाद देखेंगे तो बहुत जल्दी ये पूरे प्लांटर्स को कवर कर लेता है। और इसमें दोस्तों छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर खिलते हैं जो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इसकी पर्पल कलर की पत्तियाँ जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, तो इसे आप डिवाइड करके ढेरों सारे प्लांट बना सकते हैं दोस्तों। उसके बाद ये है गजानिया, इसमें इसका अब समर में फ्लावरिंग अब धीरे धीरे कम करना बंद कर देगा दोस्तों,
तो इसको आप सेव करने के लिए नेक्स्ट सीजन के लिए, तो अभी इसे डिवाइड करके आप लगा सकते हैं। देखेंगे नीचे से बगल साइड से सारे बेबी प्लांट बने रहते हैं, तो उसको डिवाइड करके लगा लीजिए। उसके बाद ये है युक्का का प्लांट दोस्तों, युक्का हो या आगे हो तो वहाँ से देखेंगे साइड से सारे बेबी प्लांट बने रहते हैं, तो उसको आप रूट डिवीजन से डिवाइड करके आप लगा करके ढेरों सारे प्लांट बना सकते हैं, जो इसकी पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत लगती हैं देखने में, गार्डन की शोभा बढ़ जाती है। परमानेंट प्लांट होते हैं, कम केयर में बिना देखभाल के चलने वाले पौधे हैं दोस्तों। उसके बाद ये है रेन लिली और रजनीगंधा, इन जो बल्बस प्लांट होते हैं, इसे भी इस समय आप रूट डिवीजन करके डिवाइड करके अभी ढेरों सारे प्लांटर्स तैयार कर लीजिए। ये रेनी सीजन में और गर्मियों में बहुत अच्छी ब्लूमिंग देगा दोस्तों, तो इसे भी आप डिवाइड करके इसके ढेरों सारे प्लांटर्स बना लीजिए। और अमायरस लिली को भी आप लगा सकते हैं रूट डिवीजन करके। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो रेन लिली हो या कोई भी बल्बस प्लांट हो, इसे आप अभी डिवाइड करके लगा सकते हैं दोस्तों। और अमायरस लिली में ये बल्ब होते हैं, तो इसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो चलते हैं, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।